जी मैं क्या जी गुड मॉर्निंग की हाल है, सत श्री अकाल सब। भैया वो घड़ी आ चुकी है जब निकल रहे हैं वापस गोवा से, कुछ देर मेरी फ्लाइट है। कपड़े को चेंज कर लिए दिल्ली के हिसाब से, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। निकलते हैं आगे मेट्रो देन राजीव चौक, टाइम अपने पास बहुत है क्योंकि तो बाकी भाई लोग आएंगे शाम के टाइम, उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले हो चुकी है। अपन आ गए जल्दी, इतनी मशक्कत करने के बाद पहुँच ही गए कनॉट प्लेस, थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं। ठीक है जी चलो। यार दर्शन हो गए, ऐसे तो गुरुद्वारे जब भी आता हूँ बहुत अच्छा ही रहता है, दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तो एक अलग सी फील आती है इस गुरुद्वारे में आके ना हर बार। ये गुरुद्वारा बंगला साहिब है दिल्ली कनॉट प्लेस में। सुबह ही मैं आज पहुँचा गोवा से, तो सोचा पहले क्यों ना दर्शन करे जाए बाबा जी के। दर्शन करने के बाद अब मैं वापस निकल रहा हूँ आके, रात की मेरी ट्रेन है देहरादून की, तो बाकी भाई लोग अभी गोवा से आए नहीं है क्योंकि उनकी फ़्लाइट डिले हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हाँ जी तो यार सीन ऐसा बना है, जो चाय पीने का मन करा तो भैया बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं यार, तो सोचा रुक के चाय पी ली जाए। तो भैया कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे आज दिल्ली में कनॉट प्लेस में। बेहतरीन सजावट करी हुई है यार, किसने करी भाई, तुमने करी है भाई, भाई ने करी है, दोनों ने करी है, क्या बात है यार। तो भैया चाय पीते हैं गर्मा गर्म, अदरक मार के भैया, अदरक हार्ड रख देना। चाय पीते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, ये है पूरा कनॉट प्लेस पीछे, तो आगे एक्सप्लोर करते थोड़ा और। चाय गरम गरम, वाह वाह भाई वाह। साथ में कुछ मट्टी वट्टी है भैया, कुछ है? ठीक है अभी लेता हूँ। भैया बहुत बढ़िया चाय है, बहुत ही बढ़िया। अरे भैया ट्रैफिक देख लो जरा आप, सब खैरियत? मैं कह रहा दिल्ली की सर्दी कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। कौन? क्या झूठ बोल रहा तू तो? हाँ इतना स्मार्ट है ही नहीं वो, नहीं। तू ज्यादा स्मार्ट है। और बता क्या चल रहा है आजकल? सही चल रहा है, चल रहा है, सही चल रहा है। चल मैं जा रहा हूँ, ठीक है दोस्त, ख्याल रख अपना और पढ़ाई अच्छे से करियो। अच्छा लगा यार इससे बात करके, छोटे से यार ऐसे बात कर लेनी चाहिए यार लोगों से ना यार, यहाँ की वाइब भी अलग है, बस दिल्ली की वाइब भी अलग है। ये सेव पूरी है भैया। क्या 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 डालते हो उसमें आप? सेव पूरी पापड़ी के ऊपर होती है। अच्छा और क्या क्या डालते हो उसमें आप? इसमें चने की दाल है, मूंगफली दाना, मक्के की कचरी है, हरी धनिया, पुदीना, अदरक की चटनी है, बहुत ही बढ़िया, और मीठी चटनी है। भैया ये कैसी लगी आपको पहले वाली? ये एक नंबर भैया, एक नंबर है, मजा आ गया बिल्कुल भैया। अच्छा भैया थैंक यू भैया, जो चटनी है इसकी मीठी और हरी चटनी, घर की खुद की बनाई हुई इनकी। तो भैया यार बहुत ही बढ़िया सेव पूड़ी बनाई थी आपने, मजा आ गया एकदम जी। सर आप आइए कभी भी खा के देना, कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा हमारा एड्रेस ए अभी ब्लॉक के बीच में वेंगर्स और केवेंटर्स के सामने। अच्छा केवेंटर्स भी सामने ही है जी सर। ठीक है ठीक है। दोनों चटनी सब घर का चटनी, कोई बाहर का आइटम कुछ नहीं, सिर्फ नमकीन बाहर के। अच्छा वो तो कह रहा, वो तो खैर बाहर की हो ही नहीं पाती, लेकिन मेन चीज होता है चटनी, वो चटनी घर का है। आप पूरी सफाई और सब चीज देख सकते हो दुकान में। अच्छा वो तो भैया दिख ही रहा सब कुछ एकदम बढ़िया। चले भैया थैंक यू सो मच। ठीक है ओके ओके बाय सर। तो गाइस कुछ सीन कुछ ऐसा है, ये है हेमलेस वाला ले, तो फिलहाल मेरे को जाना है पीछे, जो कि सोच रहा हूँ मैं H&M जाने का, तो वहाँ से H&M जाऊँगा, थोड़ा देखते हैं क्या स्टफ आ रहा है। आजकल तरीके से बाईपास समझ लो, रास्ता जो है यहाँ से बाईपास है,
निकलने का, पीछे वाली लेन में जाने का, क्योंकि मेन डोर उन्होंने बंद करेगा वहाँ से, एग्जिट करा हुआ है सिर्फ वहाँ से। तो हम आगे चलते हैं उस तरफ। इतनी लंबी लाइन H&M के लिए, ना मैं नहीं जाना उन्हें यार। अब चले जाए मेट्रो स्टेशन की तरफ, गेट नंबर 7, क्योंकि बाकी सब गेट्स तो बंद है। वहां से पकड़ने फिर मेट्रो अपना इंद्रप्रस्थ के लिए, फिर वहां से आगे जाएंगे हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहां से अपनी ट्रेन है आज देहरादून के लिए रात को। तो लो जी मेट्रो भी आ गई जी, चढ़ा जाए अब। हाँ जी, तो पहुंच गया निजामुद्दीन स्टेशन भी अब। भाई साहब हमें करीबन 5 से 6 दिन हो गए गोवा में, 4500 की बिरयानी खाई हमने 2 दिन में, 4500 की बिरयानी, सिर्फ बिरयानी। यकीन मानो क्या, वेज में बिरयानी, वेज में भी वही, नॉन वेज में भी वही। पहले जाते रहे भैया, 2 बिरयानी लो ऑर्डर। नहीं ऐसा होता, स्टार्टर्स में भी बिरयानी और मेन कोर्स में बिरयानी, और कुछ आने ही नहीं है, और साथ में बियर की पेटी। पेटियां बोतल की बात नहीं होती, नहीं पेटी की बात, पेटी की बात होती थी। यहाँ पे बैग का है, बैग मेरा वो पड़ा सामने, बाकी भाई बंधु का है। सही सलामत पहुंच गया, आ जाओ। पहुंच गए हैं देहरादून वापसी, इतनी मशक्कत करने के बाद है अब फिर कहां ऑफिस। अब नई डेस्टिनेशन हमारी ऑफिस, नई डेस्टिनेशन हमारी ऑफिस है आज की। चलो भैया इस व्लॉग को भी यहीं खत्म भी करते हैं, बाय, टेक केयर, नमस्कार, लव यू।